फ्रेंड्स, आप लोग को भी ऐसा एक प्रॉब्लम आता होगा कि आप कभी अपना जो यूट्यूब चैनल पर आप बैनर लगाते होंगे तो आपका जो बैनर लगता नहीं होगा, फेल्ड हो जाता होगा या कुछ ब्लैक कलर का लिख के आ जाता होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परफेक्टली तरीके से कैसे आप अपना जो बैनर को लगा सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो में लाते रहता हूँ, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी, आप वीडियो पहले आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, जो कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है आपको जो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे परफेक्टली तरीके से कैसे आप अपना जो बैनर होता है यूट्यूब चैनल पर सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मोबाइल की स्क्रीन में लेके चलता हूँ। परफेक्ट वे से बैनर लगाने के लिए पहले आपको यहाँ पर अपना योर चैनल ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो लोगो होगा चैनल को वहाँ पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर बैनर पर क्लिक करना है। बैनर पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ए फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, या आप मोबाइल से करें या पीसी से करें, सेम यहाँ पर प्रोसेस है। ठीक है, फाइल में जाना है। फाइल में जाते ही आपका जो यहाँ पर आप बैनर क्रिएट करके रखे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बैनर मैं ले लेता हूँ, रिसेंट में कुछ मैं बैनर बना कर रखा था, तो यहाँ पर मैं बैनर चूज करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं बैनर यहाँ पर होता है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, टू फोटो यू अपलोड इज टू स्मॉल, इट मस्ट बी एट लीस्ट 204 पिक्सल वाइड एंड 1152 पिक्सल टॉल, डिसमिस। ठीक है, ऐसा आपको भी शो करता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको फिक्स करना है, कैसे आपको सही तरीके से लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से मैं ट्राई कर दिखाता हूँ उसी बैनर को लगाकर फिर से यहाँ पर होता है या नहीं। ठीक है, मेरी गैलरी में आ जाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं रिसेंट में चले जाऊँगा, बैनर जो बना कर रखा हूँ उसमें क्लिक करूँगा, फिर देखते हैं यहाँ पर हो रहा है या नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, वैसा ही शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं आप करना है आपको होम बटन में क्लिक करना है। होम बटन में क्लिक करते ही आपको पिक्सल लैब के एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करना है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते ही कैंसिल में क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले कुछ प्रोसेस में यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर कट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको जो यहाँ पर टेक्स्ट है टेक्स्ट को भी यहाँ पर कट कर लेता हूँ। पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कट, डिलीट सेक्शन ऑब्जेक्ट कट। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं इमेज साइज जो है यहाँ पहले इमेज में चूज कर लेता हूँ, यूज इमेज। ठीक है, तो रिसेंट में जो मेरे यहाँ पर था मैं उसको ले लेता हूँ पहले। ठीक है, ले लिया, लेते ही यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट में क्लिक करूँगा। राइट में क्लिक करते ही आपको इस जो बैनर का साइज यहाँ पर सेट करना है, इमेज साइज। इमेज साइज में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सब यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर, फिर यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट एंड गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हेडर साइज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चूज करना है यूट्यूब चैनल बैनर, फिर यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पर फिर सेव करना है, सेव एज इमेज में क्लिक करके यहाँ पर सेव टू गैलरी में क्लिक करना है, फिर सेव इमेज में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर हो गया, फिर मैं आपको पिक्सल लैब का जो यहाँ पर चल रहा था प्रोसेस ऐड आ गया था, मैं यहाँ कट कर लिया। ठीक है, तो मेरा वहाँ पर सेव हो चुका है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट ए फोटो फ्रॉम कंप्यूटर में क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पर फाइल में क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर रिसेंट में जाऊँगा, जो मैं अभी वहाँ पर मैं अपना जो पिक्सल का साइज जो होता है उसको मैं फिक्स किया, बैनर के साइज में यहाँ पर चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पर उस फोटो को यहाँ पर चूज करूँगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लेता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपका यहाँ पर जो मैं अभी रिसेंटली जो यहाँ पर मैं बनाया, यहाँ पर एडिट किया वो बैनर को, साइज उसका पिक्सल जो है चेंज किया वो यहाँ पर है, मैं यहाँ क्लिक कर लिया। क्लिक करते देखते हैं यहाँ पर होता है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैनर हो गया। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करके अपना जो भी यहाँ पर बैनर बना कर रखे हैं, बहुत मेहनत से आप बनाए होंगे बैनर, वो लग नहीं हो रहा होगा तो आपको बहुत टेंशन हो रही होगी कैसे उसको लगाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी अपना बैनर लगाना है।
तो आप सोच रहे हैं कि पिक्सेट एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं तो पिक्सेट एप्लीकेशन में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बट पिक्सेट एप्लीकेशन में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ही ये ऑप्शन मिलेगा। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यूज करके आप अपना बैनर का साइज या थंबनेल साइज, कुछ भी साइज होता है जो आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है साइज में, तो आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन आपको यूज करना, वो एप्लीकेशन आपको ज़्यादातर हेल्प करेगी सब जगह। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है पिक्सल साइज के ऊपर तो आपको वहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन ज़्यादातर आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो से आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऊपर मिल जाएगी। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, जैसे कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।